चमत्कार 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 हर एक आदमी देखो रंग बेकरार के हो चाहे उसका हर सपना साकार ये तो है किस्मत के हाथ कब हो किसका बेड़ा पार होते रहते हैं अक्सर इस धरती पर चमत्कार 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 चाहत नहीं है मेहनत की कमाना चाहे दौलत भी आसानी से हर एक चीज पाने की है नियत भी हर किसी का है ये ख्वाब मिल जाए एक ऐसा चिराग किसी को कुछ मिल जाए किसी का कुछ हो जाए चमत्कार उसे कहते हैं जब अनहोनी हो जाए चमत्कार 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 पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्रेम टब्बू टीनू को बाबू बालकनी के अड्डे से निकालने जाता है पर उसकी बदकिस्मती कि बाबू बालकनी सामने खड़ा मिलता है। बाबू बालकनी प्रेम की बॉडी की नीलामी की तैयारी करता है और सब अंडरवर्ल्ड माफिया को अपने यहाँ बुलाता है। प्रेम को स्टेज पर बांध दिया जाता है, उसकी नीलामी शुरू होती है, मगर प्रेम अपनी चतुराई भरी बातों से गुंडों को आपस में लड़वा देता है। प्रेम और टब्बू टीनू को मकौड़ी पहलवान छुड़ा लेता है और अड्डे से भाग निकलते हैं। टब्बू टीनू प्रेम और मकौड़ी जिसने प्रेम को गुरु माना है घर आते हैं। नम्रता टब्बू टीनू को प्रेम की इन हरकतों से बचाने पूना अपनी बहन के घर भेज देती है। अब आगे ससुराल वाले जब भी घर की विजिट मार के लौटते हैं ना पूरे घर में परफ्यूम मार मार के जीना पड़ता है। लाइफ स्टिंक्स यार, आई मीन लाइफ स्टिंक्स यार। मकोड़ी, ये तुम दिलीप कुमार का पोज मार के क्यों खड़े हो भाई? रंगीला फिल्म में उर्मिला मटोंडकर को जिस तरह लोग देख के बेचैन हो गए थे, उसी तरह जब भी मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ बेचैन सा हो जाता हूँ। कुदरती बात है भाई, तुम्हारी शक्ल ही अच्छी है। तुम्हारी शक्ल को देख के पूरी दुनिया बेचैन है, तुम अकेले नहीं हो। गुरु, मेरी हथेली में बहुत खुजली हो रही है। खुजली हो रही है? जल्दी जाके किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ। नम्रता ने अगर सुन लिया ना, वो तो खुजली वाले कुत्ते को घर में नहीं टिकने देती। तुम्हारी तो औकात ही क्या है? आपके कहने का मतलब ये है गुरु कि भाभी की नजरों में कुत्ते की औकात ज्यादा बनिस्बत इंसान के? ऑफ कोर्स, मेरी बीवी जो है ना हमारे फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर है। सेंसर बोर्ड वालों का हाल तो तुम मालूम है ना, आदमी को गधे की तरह पीट सकते हो, गधे को पिटता हुआ नहीं दिखा सकते। इसलिए तुम फौरन किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ। लेकिन गुरु, मेरी खुजली वो वाली नहीं है। मेरी खुजली तो ये है कि किसी को कोने में ले जाकर ना घपा घप घोपट डालने की। अपने काम करते हैं, नेशनल पार्क चलते हैं, वहां पर आखिरी शेर का शिकार करके आते हैं। शेर का शिकार करके आते? चूहा मारा है क्या कभी? चलो चूहे से शुरुआत करो। अरे नहीं नहीं साहब, नेशनल पार्क आप बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहाँ इतने बड़े बड़े मच्छर है कि अगर काट लिया ना तो सूझ कर पापड़ से परोठा बन जाओगे। अरे लिली, तुम काहे को फिक्र कर रही हो, ये कोई नेशनल पार्क नहीं जाने वाला। अपनी गली में एक चूहा मार ले तो गनीमत है। अरे गुरु, ऐसे छोटे मोटे काम तो मैंने म्युनिसिपैलिटी के हवाले कर दिए हैं। मकोड़ी तो हाथी से छोटा शिकार करना अपनी शान के खिलाफ समझता है। मकोड़ी, अब इतना भी मत फेंको कि सुनने वाला बेहोश हो जाए। गुरु, माधुरी दीक्षित की कसम, मकोड़ी सच्ची सच्ची बोलता है और सच के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। और सच्चाई तो ये है कि जब मैं 4 साल का हो गया था ना, तो सबसे पहले मैंने चीते का शिकार किया, और जब मैं 11 साल का हो गया तो गेंडे को शूट किया। मकोड़ी, वो गेंडा बेचारा तो तुम्हारी सेहत को देख के खुद ब खुद चुल्लू भर पानी में डूब मरा होगा। शर्म करो यार, इतने बड़े बड़े गप मार रहे हो। अब एक और गप तुमने ऐसा मारा ना तो तुमके घर के बाहर ऐसे पटक दूंगा जैसे मेरी बीवी अपने विक के बाल में से पानी झटकती है। इसको बाहर पार्सल करने का काम आप हमको सौंप दो, आप अपने हाथ गीले मत करो। ए तू चुप हां, अगर गुरु बोलेंगे ना फेंकना बंद कर तो मैं फेंकना बंद कर दूंगा। वैसे भी सर, आजकल शराफत और सच्चाई का जमाना तो है नहीं। आप सच्चे सच्चे बोलिए, आपको भूख लगी है कि नहीं? मकोड़ी, क्या हो गया तुमको यार? तुम खाना कौन से पेट में डालते हो? थोड़ी देर हुई तुमने वो क्या है 12 पाव और 8 अंडे का ऑमलेट खाया था। आप 8 अंडे तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने 8 हाथी और 8 घोड़े खा लिए हो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, चाय तो पिलाइए। चाय का आइडिया इतना बुरा नहीं है, क्योंकि चाय की तलब तो मुझे भी लग रही है। नम्रता भाई, मेरे लिए 1 कप और अपने खास मेहमान के लिए 1 बाल्टी भर के चाय लाना। काम करो,
तुम चली जाओ किचन में, बाल्टी उनसे उठेगी नहीं और वो गुस्सा मुझ पे उतारेंगी, बाल्टी बाल्टी पटक मारेगी। तुम लोगों को खाने पीने के अलावा और कोई काम धंधा है? है ना भाभी, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, हम लोग सोते भी है। हफ्ते भर से तुम घर में बैठ के मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहे हो और ऊपर से मजाक हाँकते हो, कब तक चलेगा ऐसे? भाभी आप फिक्र मत करो ना। चुप रहो, तुमने बिगाड़ा इनको। अरे वाह वाह वाह, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे मेरे मिलने से पहले आपके पतिदेव शराबत के पुतले थे। अरे आप जिस आदमी ने पूरे अंडरवर्ल्ड को अपनी उंगली पर नचा रखा हो वो मेरे से क्या बिगड़ेगा? ठीक है बहुत हो गया, आप जाइए ऑफिस, अपने बॉस से माफी मांगिए और उनको बोलिए कि आपको वापस नौकरी पे रखे। चलिए जाइए, जल्दी कीजिए, घर खाली कीजिए। क्या बात कर रही हैं भाभी आप, शेर को राइस प्लेट खाने के लिए बोल रही हैं? अरे उस 2 टकी की नौकरी के लिए उस 3 पैसे वाले बॉस के सामने मेरा गुरु जाके माफी मांगेगा? तो क्या भूखे मरोगे? नहीं लेकिन मकोड़ी बात तो सही कह रहा है, अगर मैं माफी मांग लूं तो मुझ में और उस वो सखराम प्यून में क्या फर्क रह गया? इसका मतलब है तुम नौकरी नहीं करोगे? लो ये मैंने कब कहा भाई, कुछ और करेंगे, शानदार बिजनेस करेंगे कोई। देखो माफी मांगने में आदमी छोटा नहीं हो जाता, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें इतने साल झेला है, एक आध बार उन्होंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो क्या फर्क पड़ गया? आप प्लीज जाइए, तुम्हारा दिल कहता तो जरूर कुछ खतरे वाली बात हो। मैं जा रहा हूँ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। प्रेम बाबू मुझे बजाओ, प्रेम बाबू। और ये क्या कर रहे हो यार, छोड़ दो इसको, ये पहले ही बॉस का बहुत मुंह लगा प्यून है। तो इसको कांटे में लगा के रख देता मैं, ये जासी शौर्यबाजी करेगा ना तो तेरे पेट में ना चाकू से 8 का आंकड़ा बना लूंगा, समझ? निकल चल। किसके मुंह लगते हो यार? राम राम राम। प्रेम बाबू ये किस हिंसक मनुष्य को साथ लिए घूम रहे हैं? गुरु अपन ने इसको पहले कहीं देखे ना? मुझे यार तेरे को तो मैं मुन्नी भाई क्या मुद्रा सुनते हुए देखे ना यार। शिव शिव शिव, ये क्या कह रहे हैं? अरे सच कह रहे हैं अपन यार। तीरे से बोलिए, अगर किसी ने सुन लिया ना तो मेरी इज्जत का वस्त्र हरण हो जाएगा। तू चाहता है कि मैं अपना मुंह बंद रखूं ना? इधर आ, मेरी जेब में क्या है वो निकाल। तुलसी की माया? अरे मैं लक्ष्मी जी की माया की बात कर रहा हूँ यार। 300 रुपए लेके घर से निकलते कैसे हो यार? रात को मुन्नी भाई का पिता पाके गाली कर दिया, कल रात में लूट गया। अरे लूट गया ना तो अभी फूट गया, चल फूट। तुमने आते ही लूट मार शुरू कर दिया। अरे लूट मार का है कि गुरु, आपके ऑफिस में आते आपका सिक्का जमा दिया, किधर है वो छिपकली का? अरे आपका बॉस? मेरा बॉस बहुत इज्जतदार आदमी है यार, उसका नाम है नारायण दत्त तिवारी, छिपकली का नहीं। तुम यही ठहरो, मैं उसको मिलते आता हूँ। ना, मैं भी अंदर चलूंगा। तुम वहां मुंह बिल्कुल बंद रखना। ओके, मैं अपना मुंह बंद करूंगा। जिया जिया, एक वो भी समय था जब हमारे जूतों की सेल एकदम फेल थी। कंपनी के जूते बेचने के लिए हमें अपने खुद के जूते रगड़ने पड़ते थे। जिया जिया, लेकिन जब से देश में ये घोटाला और हवाला के हालात बढ़े हैं, हमारे डिफेक्टिव जूतों की भी सेल बढ़ी है। जिया जिया जिया, लोगों को जूतों का हार पहनाने के लिए बिल्कुल ठीक है। हाँ जिया जिया जी, बस फायदा ही फायदा है। कौन? मैं हूँ सर, आपका चहिता प्रेम। लगता है घाटा ही घाटा है। ये कमिंग सर। ओह नो, आज एकदम फर्राटे से अंग्रेजी बोल रहे हैं। डू कम इन, डू कम इन। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा डोंट कम इन, डोंट कम इन। अभी तक तुम्हारे कानों का प्रॉब्लम वैसा ही है? नहीं सर। एनीवे, ये श्रीमान कौन है? सर ये मेरे खास और खास बॉडीगार्ड है, अंगरक्षक। माशाल्लाह, क्या बॉडीगार्ड, बॉडी कहाँ है? एनीवे, कहिए यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? सर वो प्रॉब्लम जरा ये है कि मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? नहीं तो मैंने सोचा कि मैं फिर से आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाऊँ। तो भाई किसलिए? सर एक तो वो नम्रता मुझे काटने को दौड़ती है और दूसरा ये कि घर पे मेरा टाइम भी पास नहीं हो रहा। ओ, मेरे पास कोई टाइम नहीं है पास करने के लिए। सर मैं जानता हूँ सर, आपको जो मुझसे छोटी मोटी तकलीफें हुई है ना, उसके छोटी। अच्छा, मोटी, लेकिन मैं उसके लिए माफी मांगने को तैयार हूँ। नहीं, मैं तुमसे माफी मांगने को तैयार हूँ कि मेरे ऑफिस में दोबारा मत आना। मैं तुम्हारे आगे पैर पकड़ूंगा। मैं तुम्हारे दोनों पैर पकड़ूंगा। मैं तुम्हारे कान पकड़ता हूँ। प्लीज मुझे
विश्वास दो, मैं अपने जीवन में और हलचल बर्दाश्त नहीं करती। क्या कहते हैं सुनो मेरी बात, तुम्हारे कारण मेरे घर में इस उम्र में लव ट्रायंगल चल रहा है। स्कूल लाइफ में मेरी समझ में नहीं आया कि ये ट्रायंगल क्या होता है, इस उम्र में समझ में आ रहा है कि ये ट्रायंगल क्या होता है। मेरी बीवी, मेरी बीवी आता जेल में उस कालिया चीने के लिए टिफिन पहुंचाने जाती है। मेरी बात सुन, मेरे किचन में उसकी पसंद की सब्जियां बनती है, उसका हाई ब्लड प्रेशर है, तो मेरे घर में खाने में नमक कम पड़ता है। मैं नमक ही हो गया। मैं अपने घर से आपके लिए ढेर सारा नमक लेके आया करूं सर। अरे क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है तू? सर जख्म तो लगेगा ही, उनका बचपन का प्यार है। ये कैसा प्यार है प्रेम, कि मुझे नंगे पैर सिद्धि विनायक मंदिर तक ले जाती है ताकि वो जल्दी छूट सके। चलिए सर, इसी बहाने आपके भी कुछ पाप तो कटे। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी भेलपुरी बनकर रह गई है। नहीं नहीं प्रेम, मैं तुम्हें नौकरी पे नहीं रखूंगा। क्या तेरा बाप भी मेरे गुरु को वापस रखेगा? बाप का पता लिख कर दे देता हूँ, उसके पास चले जाओ। ठीक है सर, तो आप बताइए आपके पिताश्री का एड्रेस क्या है? परलोक। अभी एग्जैक्टली स्वर्ग में है या नर्क में उसका आइडिया नहीं है, वहीं जाके पूछ लेना भैया। ए तू मेरे गुरु का मजाक उड़ा रहा है, तेरा नाक काट के चीन कौओं को खिला डालूंगा। सुन मेरी बात, तुम कहो तो अपने आप को मैं गिद्धों को सौंप दूं, लेकिन इससे नौकरी पे नहीं रखूंगा मैं। आपका बहुत ताजी मगरमच्छ निकला, ये छुरी देख के भी नहीं डरता। ये छुरी, मुझे ये छुरी दिखाता है, ये छोटी सी छुरी। अरे इसने मुझे इतने बड़े बड़े झमेले दिखाए कि मैं अब बड़ी बड़ी तोपों से भी नहीं डर सकता। आप काट दे मेरा गला और चीर दे मेरा पेट, चीर दे काटे चीरते गुरु। ये तो एकदम हिस्टोरिकल हो गए। हिस्टोरिकल नहीं, हिस्टेरिकल गधे। सर सर शांत हो जाइए। अब मैं शांत नहीं हो सकता, अब मैं जीवन में कभी शांत नहीं हो सकता। मैं तुझे देखते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है, मैं ऊपर ले लेता हूँ खोलने लगता हूँ, तेरे कदमों की आग लगते ही मेरे ऊपर मुसीबत के पार उठने पड़ते हैं। बचाओ। इससे पहले कि इस पे अटैक बेटैक आ जावे और अपन 302 में अंदर हो जावे, मैं तो बोलता हूँ अपन यहाँ से 9-2-11 हो जाते। अच्छा ठीक है सर, ठीक है मैं जाता हूँ। अब जब तक आप मिन्नत करके नहीं बुलाएंगे मैं नहीं आऊंगा। प्रेम, अगर मेरे दिल ने कभी तुम्हें पुकारना चाहा तो अपनी जबान काट लूंगा मैं। जाओ प्रेम, जाओ प्रेम, चाहूंगा मैं तुझे शान सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे मैं आवाज ना दूंगा। ये हुई ना दोस्ती वाली बात सर। जा मुझे अब ना याद आ, जा गुड बाय सर, जा। क्या एक्टिंग करके दोनों को भगाया है मैंने। प्रेम अगर तू स्याणा है तो मैं डेढ़ स्याणा हूँ, अगर तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। मुसीबत आ गई फॉरएवर। क्या हुआ तो गुरु, आपकी उंगलियां फिर एंटेना हो गई? यार फकीरचंद के मर्डर का प्लान फिर सुनाई देने लगा। मुझे भी सुना ना, मुझे भी। अरे यार मेरा कान कोई पोर्टेबल ट्रांजिस्टर है जो तुम मांग रहे हो उधार में? छोड़ो, चला गया ना यार, आ रहा हूं मैं। अरे भाई आपको क्या चाहिए? यार आज रिसेप्शन बहुत खराब, डिस्टर्बेंस बहुत मालूम होता है। मैं तो सोचता हूँ कि किसी एंटेना कंपनी वाले से हाथ मिला लेना चाहिए यार। सर सच्ची सच्ची एक बात बोलूं, उनको सच बोलना आता है क्या? अरे सर जितना मैंने सच बोला है राजा हरिश्चंद्र ने नहीं बोला होगा, सूर्यदेवी की कसम। यार अब बेचारे राजा हरिश्चंद्र की समाधि पे तो लात मत मारो, जो बोलना जल्दी बोलो। सर आप अपने कान में उंगली रख के यूं खड़े होते हो ना तो एकदम मिर्जा गालिब और देवदास का मिक्सचर लगते हो। काहे को बकवास कर रहे हो? एक तो बॉस है कि खड़ा नहीं रखता, लात मार के दफ्तर से निकाल दिया, नौकरी है कि मिलती नहीं और तुम भेजा चाट रहे हो, कुछ धंधे की सोचने दो ना यार। सर आपके कान के सिग्नल इतने पावरफुल हैं, क्यों ना मैं एक टीवी चैनल खोल दे? जिस रफ्तार से आजकल चैनल खुल रहे हैं मुझे तो डर है कि चैनल ज्यादा हो जाएंगे देखने वाले कम रह जाएंगे। सर एक आइडिया, क्यों ना हम प्राइवेट एयरलाइंस खोले? वेरी गुड आइडिया। अरे मैंने तो नाम भी सोच के रखा हुआ है, उड़न खटोला एयरलाइंस, यानी के यूके एयरलाइंस। अच्छा
घटिया घड़ी एयरलाइन में कम वक्त साइकिल खोलने की तो हैसियत नहीं है, एयरलाइन खोल रहा है। अपनी औकात में रहकर सोचा करो यार तुम भी। सर मेरा एक ही प्रॉब्लम है, मैं हमेशा लाइफ में ऊंचा सोचता हूँ, कभी नीचा सोचा ही नहीं सर। मैंने अपने गांव में भी यही रिवायत रखी सर, और मेरे ऊंचे सोचने की ताकत देखिए सर, मैं आज आप तक पहुंच गया हूँ। अगर तुम नहीं सोच सकते ना तो चुप रहो ना यार, मुझे सोचने दो, समझने दो, सुनने दो, जीने दो, धंधा ढूंढने दो यार। गुरु आप अपने दिमाग पे इतना क्यों जोर दे रहे हैं, क्यों ना हम आपके कानों का फायदा उठाएं? यार मेरे कानों को किराए पे घुमाओगे क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है हमें क्यों ना डिटेक्टिव एजेंसी खोले। देखिए ना आजकल लोगों की जिंदगी में कितने प्रॉब्लम्स हैं, बीवी का लोचा, धंधे में नुकसान, गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम, और ये रईसों के कुत्ते खो जाना कितना बड़ा प्रॉब्लम है, और अकेला ये आपका कान इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। शाबाश मकोड़ी, तुमने जिंदगी में पहली बार अकलमंदी की बात की है। सर मैं हमेशा अकलमंदी की बात करता हूँ, ये और बात है कि आपके समझ में पहली बार आई। ये सोचो इस डिटेक्टिव एजेंसी की शुरुआत कैसे की जाए। सर बहुत सिंपल है ना सर, डिटेक्टिव एजेंसी की शुरुआत अपने को लो लेवल से करनी पड़ेगी। जैसे केले वाला अपने केले का ठेला खोलता है, पान वाला अपने पान का बाकड़ा खोलता है, सब में पहले अपने को अपनी डिटेक्टिव एजेंसी का नाम ढूंढ के रखना पड़ेगा, और श्रीदेवी के हाथों उसका इनॉग्रेशन करवाना पड़ेगा। नाम आ गया, काला कौवा डिटेक्टिव एजेंसी। हट के नाम रखते है सर। तो काला कौवा तुमको आम नाम लगता है? ठीक है, लेकिन ये डुक्कर डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में आपके क्या ख्याल है? डुक्कर डिटेक्टिव तो उसका ऑफिस कहाँ होगा, वर्ली के नाले में? नहीं नहीं सर, वो दूर पड़ेगा, अपन क्यों ना बांद्रा की खाड़ी तक ही टिक कर ले। यार मकोड़ी तुमको अपने गधेपन पे कभी शर्म नहीं आती? वो मुंह में आता बोलते रहते, कमाल है यार तुम्हारा। सिग्नल आ रहा है, आ रहा है। अरे सर, सर आप हातिम भाई की बेटी की तरह क्यों हिल रहे हो? चुप रहो, अब सिग्नल सुनाई दे रहा है मुझे। ओहो हो हो हो, मुझे उनकी बातें साफ सुनाई दे रही हैं। एक मर्द और एक औरत आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने सब सोच लिया है, अगली 10 तारीख को हम उसका काम तमाम कर देंगे। मर्डर, मर्डर होने वाला है 10 तारीख को, फकीर चंद का मर्डर 10 तारीख को। फकीर चंद, ये फकीर का मर्डर कोई क्यों करेगा? फकीर के नाम से याद आया मुझे, भूख लगी है गुरु, मैं आ रहा हूँ। अरे 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 मिस्टर मकोड़ी, ये क्या कर रहे हैं आप, इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हैं, और वो भी दोनों हाथों से? आप तो ऐसे खा रहे हैं जैसे अकाल से वापस आया हुआ कोई आदमी। अकाल की कोई बात नहीं भाभी, एक्चुअली मैं एक हाथ से खाता हूँ नहीं तो दुखने लगता है, इस हाथ का बोझ मैं इस हाथ में ट्रांसफर करके दोनों हाथ से खाता हूँ तो दुखने वाला कोई भी हाथ नहीं होता मेरा। आपका पेट कभी नहीं दुखता? इसको दुखी होने की आदत नहीं है। आप कहाँ खो गए? क्या बताऊँ नम्रता, मैं तो एक जबरदस्त उलझन में फंसा हुआ हूँ। अच्छा, फिर कोई दूर की सुन ली क्या? हमारी शादी को 15 साल हो गए, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, खबरदार अगर आप कोई पचड़ी में पड़े हो तो मेरे से बुरा कोई ना होगा। तो मैं 15 साल से जानता हूँ नम्रता, मेरा मतलब है कि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है नम्रता, तुम समझने की कोशिश करो। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे मायके में कोई फकीर रहता, मेरा मतलब है कोई फकीर चंद रहता है क्या? जी नहीं, मेरे मायके में सब अमीर चंद रहते हैं, फकीर चंद तो आपके खानदान के हैं। फकीर चंद, ये फकीर चंद का नाम किसने लिया? क्यों, तुम किसी फकीर चंद को जानती हो? हाँ साहब, पहले मैं जिनके यहाँ काम करती थी ना, उनके पड़ोस में फकीर चंद नाम का एक बैंक मैनेजर रहता था। बैंक मैनेजर, उसका नाम फकीर चंद? लीजिए साहब, जिसने उसको नौकरी दी हो उसको तो लात मार के शहर से निकाल देना चाहिए। बहरहाल बहरहाल, उसका एड्रेस बताओ। साहब श्योर तो मालूम नहीं, पर जन्नत या जहन्नुम ऐसा कुछ है। जन्नत क्या मतलब, जन्नत या जहन्नुम? वो क्या है ना साहब कि मैं उनके यहाँ काम करती थी ना, तभी वो मर गया। एक बात बताइए, आपको फकीर चंद से क्या काम? यूं समझ लो कि एक बिजनेस के लिए लोन लेना है। अगर लोन ही लेना है, किसी बैंक में जाके एप्लीकेशन दीजिए, फकीरों के पीछे क्यों पड़े? बस का गुरु, मुझसे तो खुद कहते हो कि झूठ बोलना बुरी बात है, और भाभी को रखा हुआ अंधेरे में। भाभी एक्चुअली इन्होंने अपने लॉन्ग डिस्टेंस एंटीना पे सुना है कि 10 तारीख को किसी फकीर चंद का कत्ल होगा, और ये कौन से फकीर चंद पे यमदूत मेहरबान है हमको मालूम नहीं है, और आज तारीख हो गई है 3। अच्छा,
तो ये बात है, चुपचाप खाना खाइए, किसी फकीर चंद को बचाने की कोई जरूरत नहीं। वो मिलेगा तब तो बचाने जाएंगे। साहब, फकीर चंद को ढूंढना कौन सी बड़ी बात है? अब देखिए, जैसे हिटलर नाम लाखों में एक है ना, उसी तरह फकीर चंद नाम भी लाखों में एक आध दो ही होंगे। आप एक काम कीजिए, आप टेलीफोन डायरेक्टरी चेक कीजिए, उसमें जितने भी फकीर चंद होंगे ना, सबका पता चल जाएगा। वाह लिली, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? यही कोई खा पी के 1500 रुपए। ऐसा सोचो कि अगले महीने से तुम्हारी तनख्वाह खा पी के 1510 रुपए है। अरे गुरु, अपने नौकरों की 10 रुपए हर महीने तनख्वाह बढ़ाओगे ना, तो आपका तो दिवाला निकल जाएगा। इतनी सी आइडिया के लिए 10 रुपए इंक्रीमेंट? अच्छा ठीक है 5 रुपए कर देते हैं। भाई लिली, अगले महीने से तुम्हारी तनख्वाह 1505 रुपए। खुश? हाँ साहब, गॉड सबको आपके जैसा दिल दे। चलो अब मैं भी जरा खाना खा लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्टरी निकालते हैं, फिर फकीर चंद का नंबर ढूंढते हैं, नंबर ढूंढने के बाद उसकी जान बचाते हैं। ठीक है, चलो। अरे खाना कहाँ गया? खाना कहाँ गया? गुरु एक्चुअली आज मैंने अपनी औकात से थोड़ा ज्यादा खा लिया। थोड़ा ज्यादा? मैं क्या खाऊं? आप मुझे खा लीजिए। ऐसा करो, अपने ऊपर नमक मिर्च डाल लो, किसी डिश कैसे खाऊंगा। पहले इसका खाना समझ के खा लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। फकीर चंद देखो मिल गया। फकीर चंद शर्मा, 31 आदर्श नगर अंधेरी वेस्ट। एक ही है? एक मिला है तो दूसरा भी मिलेगा ना। अरे यार, यहाँ तो कई सारे फकीर चंद बिखरे हुए हैं। ये देखो, फकीर चंद क्या नाम होता है, वर्मा, फकीर चंद धर्मा, फकीर चंद ये कर्मा, ओह फकीर चंद वर्मा, ये तो वर्मा तक पहुँच गया भाई। खैर, इन सब का पता नोट करो। याद करूंगा तो नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। सर मेरे मन में एक सवाल उठता है। उठने दो। ऐसे फकीर चंद का क्या जिसके पास फोन ही ना हो? देखो, सर ने सुना है कि फकीर चंद का खून दौलत की वजह से होने वाला है। अब जिसके पास फोन जैसी मामूली चीज भी ना हो, उसके पास दौलत कहाँ से होगी? करेक्ट यार, काश के मोबाइल टेलीफोन की कोई डायरेक्टरी होती ना, हम फौरन उसको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। लेकिन यार, इसका आप कैसे पता लगाए कि कौन से फकीर चंद का फोन होने वाला है? सर इट्स वेरी सिंपल, जो मर गया समझो उसका खून हो गया, और जो बच गया उसका खून नहीं हुआ। लिली, तुम्हारी तनख्वाह मैंने क्या बताई थी? 1505। अगले महीने से समझ लो तुम्हारी तनख्वाह 1405। इतना सरल आइडिया देने के जुर्म में 100 रुपए कट। सर दिस इज नॉट फेयर। हाँ, आप बढ़ाते तो सिर्फ 5-5 रुपया और घटाते तो सीधा 100 रुपया। कीप क्वाइट भाई, क्यों ना हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दें? सर एक आइडिया मेरे दिमाग में उठ रहा है। उठने दो। क्यों ना हम उस फकीर चंद को ढूंढे जिसकी जान को खतरा है। हाँ। और उसको हम जाके ये समझाएं कि तेरा केस हमारी डिटेक्टिव एजेंसी को दे दे, तो इससे उसकी जान बच जाएगी और हमारी डिटेक्टिव एजेंसी चल पड़ेगी। क्या प्रेम असली फकीर चंद की जिसका खून होने वाला है उसे ढूंढ पाएगा? क्या प्रेम खूनी को खोज कर नया चमत्कार करेगा या फिर नया कोई झमेला खड़ा करेगा? प्रेम और मकौड़ी की डिटेक्टिव एजेंसी क्या गुल खिलाएगी? देखिए चमत्कार के अगले एपिसोड में। चमत्कार, For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.